हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि फर्स्ट गियर और सेकंड गियर में क्लच को कहाँ तक लाएं कि कार आपकी बंद ना हो। जो कि 80% चालक जब वो क्लच को उठाते हैं फर्स्ट गियर या सेकेंड गियर में, तो कार उनकी बंद हो जाती है। वीडियो को स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा देखें और आपको 100% है कि आपको समझ में आ जाएगा कि क्लच हमको कहां तक लेके आना है फर्स्ट और सेकंड गियर में। तो चलिए देर ना करते हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो फ्रेंड, आप लोग देख रहे हैं ये एक्सीलेटर है और ये ब्रेक है और ये क्लच है। तो जब भी हमें कार को स्टार्ट करना है तो आपको सबसे पहले क्लच को ही दबाना है और एक पैर ब्रेक पे रखना है। और जो कि ये एक्सीलेटर केवल स्पीड के लिए है, ब्रेक का काम है स्लो रोकने के लिए और क्लच का काम है गियर को लगाने के लिए, गियर को डाउन करने के लिए या फिर जब आप कार को रोक रहे हैं तब। यही इतना वर्क होता है क्लच का। अब हम आपको बताएंगे कि क्लच को किस पॉइंट तक लेके आना है कि कार आपकी बंद ना हो। और जो भी प्रॉब्लम होता है नए चालकों का, वो फर्स्ट गियर में ही होता है। तो अब हम आप लोगों को बताएंगे, जैसे कि ये आप देख रहे हैं इस समय क्लच पूरा नीचे है और केवल क्लच को कहाँ तक लेके आना है, हाफ पॉइंट तक। हाफ पॉइंट कहाँ पे होता है, जैसे ये धीरे धीरे हम क्लच को ऊपर ले के आ रहे हैं, जहाँ से हल्की सी कार आपकी मूव करेगी और जब क्लच हाफ हो जाएगा तो इंजन की आवाज़ चेंज हो जाती है, उसको हम बोलते हैं बाइटिंग पॉइंट। तो उसी पर पैर आपको होल्ड रखना है 3 सेकंड तक। जब आप 3 सेकंड तक होल्ड रखेंगे तो कार आपकी बंद नहीं होगी। और नए चालक क्या करते हैं, वो क्लच को पूरा छोड़ देते हैं, कार उनकी बंद हो जाती है। तो उसी पे आपको पैर को होल्ड रखना है, सिर्फ जहां से कार आपकी हल्की सी मूव करेगी उसी पे पैर आपको रोक के रखना है, ये नहीं कि पूरा छोड़ देना है। और नए चालक यही गलती करते हैं कि वो क्लच को पूरा छोड़ देते हैं और कार उनकी बंद हो जाती है। केवल आपको फर्स्ट और सेकेंड गियर में क्लच को आपको होल्ड रखना होता है। अब बाकी थर्ड गियर में कार की स्पीड रहती है तब आप पूरा क्लच छोड़ सकते हैं। अगर जल्दी से छोड़ेंगे तो कार झटका देगी। और बहुत आराम से लेके आना है क्लच को कि ताकि आराम से गाड़ी आपकी चल सके और जो है झटका ना दे। और जो ये प्रॉब्लम आती है क्लच की, जो ये प्रॉब्लम होता है क्लच का, ये सिर्फ केवल फर्स्ट और सेकेंड गियर में ही होता है। जो कि केवल आपको क्लच हाफ तक ही लेके आना है, जहाँ से कार हल्की सी मूव करेगी उससे ऊपर क्लच आपको नहीं लेके आना है। अगर आपको कार को कंट्रोल करना है केवल क्लच से तो उतने ही क्लच पे फिर तुरंत आपको नीचे दबा लेना है, तो क्लच दबाने से कार रुक जाएगी। अगर कार में ज़्यादा स्पीड है तो क्लच दबाने से कार नहीं रुकती है, तो आपको ब्रेक लगाना ही पड़ेगा। और जब ब्रेक लगाना है तो क्लच को पूरा नीचे दबा के ब्रेक लगाना है। और बहुत से चालक गलती ये करते हैं कि एक पैर ब्रेक पे ही रखे रहते हैं और जब ये हाफ क्लच लेके आ रहे हैं तो ब्रेक दबा रहता है, कार उनकी बंद हो जाती है। तो आप जैसे ही क्लच को हाफ लेके आए तो ये पैर ब्रेक पे ही रखे रहिए, लेकिन ये दबा ना रहे। अगर ये दबा रहेगा तो कार आपकी बंद हो जाएगी। और केवल फर्स्ट और सेकंड गियर में क्लच को केवल हाफ तक लेके ही आना है, वो भी जहाँ से कार हल्की सी मूव करेगी उसी पे आपको पैर को होल्ड रखना है। उतने ही क्लच पे कार स्पीड बना लेगी तब आपको क्लच को पूरा छोड़ देना है। और चाहे आप सेकंड गियर में चला रहे हैं तो सेकंड गियर में भी आपको हाफ ही क्लच, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि फर्स्ट और सेकंड गियर में क्लच को होल्ड रखना होता है, फिर जैसे ही स्पीड आई तो आप पूरा क्लच छोड़ सकते हैं। तो ये है क्लच की कंट्रोलिंग, जो कि इसमें 80% चालक कन्फ्यूज हो जाते हैं और उनकी कार बंद हो जाती है। और रीज़न यही है कि क्लच आप लोग होल्ड नहीं करते हैं, क्लच को तुरंत छोड़ देते हैं, इसलिए फर्स्ट और सेकंड गियर में कार आपकी बंद हो जाती है। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जहाँ से क्लच आपका हल्की सी कार मूव कर रही है उसी पे होल्ड रखना है 3 सेकंड तक। जब कुछ दूर कार बढ़ जाएगी तब आपको पूरा क्लच ऊपर छोड़ देना है। फ्रेंड, हम आशा करते हैं मेरा ये वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।